जय शंकर जी, जय श्री राम, सीताराम, हर हर महादेव। शिव पुराण कहती है कि वैसे तो शिवलिंग की आधी परिक्रमा की जाती है, लेकिन यदि बेलपत्र के पेड़ की जड़ में शिवलिंग रखकर फिर शिवलिंग की पूजा की जाए तो उसकी भारी महिमा है। जैसे हम तुलसी माता की पूजा करते हैं, लेकिन यदि तुलसी के पेड़ के नीचे शालिग्राम या लड्डू गोपाल को रखकर फिर तुलसी माता की पूजा करें तो उस पूजा की महिमा है कुछ विस्तारक हो जाती है। शास्त्र कहता है कि यदि मनुष्य बेलपत्र पेड़ की पूजा के लिए जाए और शिवलिंग को बेलपत्र की जड़ के पास रखकर फिर शिवलिंग की पूजा करे तो पूजा का कितना बड़ा फल प्राप्त होता है इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वैसे तो शिवलिंग की आधी परिक्रमा की जाती है, पर आप जब शिवलिंग को बेलपत्र वृक्ष के नीचे रख दोगे तो जितना मन हो आप उतनी परिक्रमा कर सकते हैं। शिवपुराण में वर्णन है कि जिसने ऐसा कर दिया उसके अंत समय में भगवान भोलेनाथ स्वयं उसे लेने आते हैं। शिवपुराण यहाँ तक कहती है कि यदि आप कहीं जा रहे हो तो शिवलिंग को किसी डिब्बे आदि में बंद करके अपने साथ ले जा सकते हो, पर और किसी भगवान को आप ऐसे डिब्बे में बंद करके नहीं ले जा सकते। जैसे हम कहीं यात्रा करने जा रहे हैं तो हम लड्डू गोपाल को अटैची में बंद करके नहीं ले जा सकते, उन्हें ऐसी टोकरी आदि में रखकर अपने पास रखकर ले जा सकते हैं, लेकिन भगवान महादेव और शालिग्राम इन्हें डिब्बे आदि में बंद करके हम अपने साथ ले जा सकते हैं। ऐसा शिव महापुराण के विदेशर संहिता की अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 55 में बात कही गई है। कहा गया है कि शिवलिंग, शालिग्राम और संखी तीनों कभी खंडित नहीं होते। अगर इनके अगर टुकड़े टुकड़े भी गलती से हो जाएं तो भी ये खंडित नहीं होते, तो भी ये पूजा के लायक हैं। शिवलिंग, शालिग्राम और संखी तीनों के तीनों अखंड है। इसमें वर्णन किया गया है कि किसी भी देवी देवता को नहलाकर, उन्हें तिलक लगाकर, चंदन लगाकर, एक बार उन्हें अपने सिर पर लगाकर फिर उन्हें सिंहासन पर बिठाइए, फिर देखिएगा आपका जीवन कैसे आनंद में गुजरता है, चाहे वो शिवलिंग ही क्यों ना हो। हर हर महादेव।